वक्त आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो एक ऐसे हवाई हादसे की तस्वीरें हैं जिसे देखकर दुनिया भर के लोग सन हैं। एक प्राइवेट प्लेन तेजी से एक शॉपिंग मॉल की तरफ आता दिखता है और आगे जो कुछ होता है वो बेहद भयानक है। एक पल में 5 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और आसपास सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। अचानक से प्लेन नीचे आया और शॉपिंग मॉल में घुस गया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी वजह क्या है, सब बताएंगे। लेकिन पहले इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। हवाई हादसे की ऐसी तस्वीरें आपने शायद इससे पहले कभी देखी। देखिए, एक प्लेन तेजी से आ रहा है कि ये प्लेन गिरने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे आगे जाकर ये प्लेन लैंड करने वाला है, लेकिन अचानक ये प्लेन बहुत तेजी से नीचे आता है और शॉपिंग मॉल में घुस जाता है। इसके बाद की तस्वीरें तो खौफनाक है। देखिए, जैसे ही प्लेन मॉल में घुसा, यहाँ एक जोरदार धमाके के साथ आसमान में आग और धुएं का गुबार उठा। मॉल के अंदर का एक बड़ा हिस्सा एक पल में तबाह हो गया। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। आसमान में उठा धुएं का गुबार इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर दूर से इसे देखा जा सकता था। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की हैं और ये हादसा एसेंडन फील्ड्स एयरपोर्ट के पास हुआ। अब आपको बताते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे। दरअसल 2 इंजन वाले इस लाइट एयरक्राफ्ट ने मेलबर्न के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट एसेंडन से उड़ान भरी थी। ये प्लेन एसेंडन से किंग आइलैंड जा रहा था। प्लेन में एक पायलट और अमेरिका के 4 टूरिस्ट मौजूद थे। ये चारों टूरिस्ट किंग आइलैंड में गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे। कुछ दूर तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक प्लेन के पायलट को पता चला कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। इसके बाद पायलट ने प्लेन को वापस एसेंडन एयरपोर्ट ले जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही प्लेन बेकाबू हो गया और ये खौफनाक हादसा हो गया। प्लेन के गिरते ही ये जैसे आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे में प्लेन में सवार पायलट और चारों टूरिस्ट मारे गए। अहम बात यह है कि यह हादसा ऑस्ट्रेलिया के समय के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब हुआ। सुबह का वक्त होने की वजह से मॉल में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए ज्यादा लोगों की जान नहीं गई, नहीं तो कई और लोग इस हादसे का शिकार हो सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।